दोवें सीटा हारन तो बाद साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अज दिल्ली पहुंचे ने। दिल्ली पहुंच के उन्होंने राहुल गांधी के नाल मुलाकात की। पंजाब दे विच कांग्रेस की जो तस्वीर है, जो स्थिति है, उसके बारे चानना पाया और उस तो बाद मीडिया के मुखातब होंदे हुए कई मुद्दों पर खुल के बोले ने। सब तो पहला उन्होंने सुनील जाखड़ के उस बयान का जिक्र किया जो चरणजीत सिंह चन्नी नूं टारगेट करके सुनील जाखड़ के वलों दिता गया सी। उस विवादित बयान तो बाद पंजाब दे ऐसी भाईचारे दीआं भावनावां नूं ठेस पुजी। उत्थे ही चरणजीत सिंह चन्नी और साबका कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका दे वलों सुनील जाखड़ की मानसिकता ते कई सवाल चुके गए। तो अज साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि सुनील जाखड़ की मानसिकता गरीबों के खिलाफ है और ये ना भुलन कि हुण तक जिन्हें भी अहुदे उन्होंने मिले वो ऐसी भाईचारे दीआं वोटां दे करके मिले। तो सीधे तौर पर उन्होंने सुनील जाखड़ के उस बयान की निखेधी की, निंदा की। उन्होंने कहना है कि अजिहा बयान सुनील जाखड़ नूं नहीं देना चाहिदा सी। उन्होंने यह भी कहना सी कि काफ़ी दिनों तो चरणजीत सिंह चन्नी नूं टारगेट करके सुनील जाखड़ बयान दे रहे हैं मीडिया के विच और जो विवादित बयान सुनील जाखड़ के वलों दलितों नूं लैके ऐसी भाईचारे नूं लैके दिता गया उसकी ऐसी भाईचारा और समाज के नाल जुड़े हुए कैबिनेट मंत्री चाहे वह राजकुमार वेरका होण, जोगिंदर पाल विधायक, उन्होंने वालों सुनील जाखड़ के इस बयान की घोर निंदा की गई। बहुत दिनों तो खिलाफ़ बोल रहे हैं लेकिन मैं उन्होंने खिलाफ़ नहीं बोलिया क्योंकि पार्टी के लीडर हैं और मेरे जाति खिलाफ़ जिन्ना मर्जी बोलन, लेकिन जेड़ा उन्होंने पूरे समाज को जुत्ती ते बिठाने वाली गल की है ये बहुत ही मंदभागी है और ये जिनी निंदा की जाए उन्नी घट है। ये बिल्कुल गलत बोले हो, इस तरह तो 100 साल पहला भी नहीं सी कोई बोलता कि जी दलित समाज या गरीब लोगों को जुत्ती ते बिठाया जाए, इन्हों सिर ते नहीं बिठाया जाना चाहिए। इस तो बाद जदों साबका मुख्यमंत्री चन्नी तो यह पूछा गया कि पंजाब कांग्रेस का अगला प्रधान कौन होगा तो उन्होंने कहा कि मैं किसी सूची दे विच नहीं और ना ही वो प्रधान बनना चाहते ने। तो सीधे तौर पर उन्होंने साफ कर दिता कि वो किसी भी लिस्ट दे विच जा सूची दे विच जा उम्मीदवार की दौड़ दे विच नहीं ने, ना ही वो पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनना चाहते ने। मैं किसी चीज का उम्मीदवार नहीं है, ना मैं बनना, बिल्कुल नहीं, मैं पार्टी की इसी तरह सेवा करनी। उस तो बाद जो मीडिया ने सवाल पूछा कि लगातार पंजाब दे विच कत्ल हो रहे हैं, वड्डियां वारदातें हो रही ने, तो आम आदमी पार्टी से तंज कसते हुए साबका मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि लोग बदलाव चाहते सी, बदलाव हुण उन्हां दे सामने है। चन्नी साहब, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा वड्डा सवाल बनया, पिछले 19 दिनों च बहुत सारिया जाना चलिया, सड़कां ते गोलियां चल रही ने, लोग बदलाव चाहते सी तां बदलाव आया। तो इस तरह के तिखे बयान साबका मुख्यमंत्री चन्नी दे वल्लों दिते गए। सब तो वध उन्होंने सुनील जाखड़ के उस बयान की निंदा की जो उन्होंने टारगेट करके सुनील जाखड़ के वल्लों दिता गया सी। दस दिए कि साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा सन, 2 सीटों तो चोण मैदान के विच सी, हलका भदौड़ और अपना चमकौर साहब हलका, और दोवें सीटों तो करारी हार हुई। उस तो बाद लगातार चुप्पी साधी हुई सी। तो अज राहुल गांधी नूं मिलन वास्ते दिल्ली पुजे ने। हालांकि जो उन्होंने तो पूछा गया उन्होंने कहा कि चोणों तो बाद उन्हां दी राहुल गांधी दे नाल मुलाकात नहीं हुई सी, इस करके वो पुजे ने और लगातार कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। दोवें सीटों तो करारी हार हुई सी। अरविंद केजरीवाल ने यह लिख के दे दिता सी कि चरणजीत सिंह चन्नी जो सीएम ने दोवें सीटों तो हारनगे। तो उस तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी दोवें सीटों तो हार गए ने। हलका चमकौर साहब जिथों लगातार 3 बार जीते ने उतों भी करारी हार हुई है और पहली बार हलका भदौड़ गए सी, उतों ही लाभ सिंह उगो कहने चरणजीत सिंह चन्नी नूं करारी हार दिती आ। तो अज राहुल गांधी नूं मिलन पुजे ने और गिले शिकवे ने जिहड़े कैमरे दे विच कैद होए ने सुनील जाखड़ दे वल्लों जो लगातार बयान दिते जा रहे सी चरणजीत सिंह चन्नी नूं टारगेट करके ऐसी भाईचारे नाल संबंधित विवादित बयान जो दिता गया सी उसकी घोर निंदा चन्नी दे वल्लों की गई है और डॉक्टर राजकुमार वेरका दे वल्लों सीधे तौर पर कह दिता गया सी कि जेकर वह माफ़ी नहीं मंगते तो वह कांग्रेस हाईकमांड को कहेंगे कि सुनील जाखड़ को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो हारन तो बाद पहली बार
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।